Mom. Tata. 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 टाटा, तो मुझे आज उस जगह पे जाना है और आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताना भी है और कुछ दिखाना भी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रही और आप सब लोगों को स्वागत है मेरी न्यू व्लॉग में। मैं ट्यूशन के लिए आई थी सुबह 8:30 बजे, अभी बज रहा है 10, तो फिलहाल अभी घर जाना है। बहुत ज़्यादा भूख लगा है, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। देखते हैं, आज सोच रही हूँ सुबह की ब्रेकफास्ट कुछ बाहर से करूँगी, देखते हैं क्या होता है। बाहर में कचौड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो लेट्स सी मुझे मिलती है कि नहीं। 10 बज रहे हैं, आई होप मिल जाए, खाने का बहुत ज़्यादा मन है। और ये है कुटू का हैप्पीनेस। कुटू कुटू की खाबे तुम्ही खाबे, आओ आओ आजो। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ी ले लिया है और मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 3 ही है और बहुत ज़्यादा गर्म है, भूख भी लगा है, तो मैं इसको खाती हूँ। यहाँ की जो सब्जी है, आई होप अच्छा ही होगा। मम्मा टाटा 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 उड़ी पकड़ी टाटा। আমি মাছ খুলবো, উসকি মাছ খুলবা কি মানে কি? হ্যাঁ খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে। টাটা 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 টাটা, আমি ঘর যাবো না, আমি ঘর নেই যাওঙ্গি। चलो टाटा। फाइनली मैंने घर पे आके नहा लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी, तो अभी थोड़ा बहुत टाइट फील हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत कर लिया मैंने रेस्ट, अब मुझे जाना होगा लंच करने के लिए, क्योंकि अभी 3 बज रहा है, मतलब कितना लेट हो गया है। मैं जाती हूँ लंच कर लेती हूँ। मैंने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद सोचा बाहर टहलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, मतलब शाम होने को आया है। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ शायद आप लोगों को पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से पानी जा रहा है तालाब की ओर। तो आज मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, उसके बारे में भी एक स्टोरी है। और हल्की हल्की बारिश गिर रही है, जब मैं बाहर आई तभी गिर रहा था, पर कोई नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं गिर रहा है। तो मुझे आज उस जगह पे जाना है और आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताना भी है और कुछ दिखाना भी है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मैं खड़ी थी वहाँ पर, उस जगह पे खड़ी थी। आप लोग जो ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अभी तो शायद इसको थोड़ा बहुत काट दिया है। और सबसे ट्विस्टिंग वाली बात ये है, यहाँ पे एक प्लम ट्री भी है, मतलब इन पेड़ों के बीच में प्लम ट्री हुआ है और वो काफ़ी दिनों से है। और ये दोनों बोट तो उस जगह पे थे, अभी यहाँ पे इनको रख दिया है। मुझे पहले लगा था कि ये बोट शायद चलाने के लिए है, मतलब कोई भी यहाँ पे सवारी कर सकता है, लेकिन नहीं, ये बोट सिर्फ मतलब पानी में अगर कोई पत्ता वत्ता जो भी हो साफ़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मन है कभी अगर कभी इसके अंदर बैठ पाओ तो मज़ा आएगा। और चलिए आप लोगों को जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये है हमारे यहाँ का सबसे पुराना हॉस्पिटल, जो अभी थोड़ा बहुत क्लीन लग रहा है जगह, पहले यहाँ पर नहीं था। पहले दिखने में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड वाला लुक था इसका, बट नाउ द डे अच्छा है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं थोड़ी बहुत। ये पेड़ और
ये पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों पेड़ पहले इतने बड़े थे और इनका डाली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो इस पे जो रूट हुआ करते थे वो नीचे झूलते थे। जो बाहर से ना आप अगर वहाँ से देखोगे, हम जब वहाँ से देखते थे रात में यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे लाइट वगैरह है, थोड़ा थोड़ा दिया है, पहले नहीं था। तो जब मैं वहाँ से देखती थी, सारे लोग सबको मतलब यहाँ पे देखते ही लगता था एक डरावनी सा एक फील होता था। मतलब यहाँ से आप जाओगे ना तब डाली मतलब इस जगह पे इतना बड़ा बड़ा डाली इधर ही होता था, मतलब रस्ते की इस ओर। और यहाँ पे भी देखिए एक प्लम का ट्री सीधा एकदम, रुकिए मैं पास में जाकर दिखाती हूँ। इस पेड़ के बीच में भी प्लम का ट्री है, कितना अजीब बात है ना, मतलब मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। और सबसे अजीब बात यह है कि हमारी इस तालाब में कभी भी पानी स्टे नहीं करता है। बहुत दिनों से इसको भरने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये भरता नहीं है। तो पहले आप लोगों को दिखाया वहाँ से पानी आ रहा था, तो पानी भरने की जितनी भी कोशिश करते हैं उतनी जल्दी सूख जाती है। तो आज मैं ट्राई करके देखने वाली हूँ कि पानी कितनी मतलब गहराई तक भरी है, तो फिर गहराई कितनी ज़्यादा हुई है। मुझे फ़िलहाल यही मिला है, तो इससे ही देखते हैं कितना गहराई है, मापते हैं। तब जितना मैं सोच रही थी उतना ज़्यादा गहराई है नहीं, तब थोड़ा सा ही है अभी तक, तो थोड़ा सा ही, शायद वहाँ से और भी ज़्यादा गहराई बढ़ जाएगी। मैं जब भी देखती हूँ तब भी ऐसा लगता है कि पानी बढ़ रहा है और लगता है कि पानी कम रहा है। टाना, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और मैं ना एक चीज़ सोच रही थी, जैसे कि वहाँ पे दो बोट है, अगर यहाँ पे भी दो बोट होता तो काफ़ी मज़ा होता ना, कि यहाँ से मतलब यहाँ से उस पार जाने के लिए बोट यूज़ करते। ऐसे तो रास्ते भी है लेकिन आई थिंक बोट से जाने में और ज़्यादा मज़ा होता। तो बोट से कब जाने का मौका मिलेगा देखते हैं। तब तक के लिए चलिए, आज का व्लॉग मेरा यही तक ही था। मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।